गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर है हमारा 2। देखिए चैप्टर 1 हम पिछली बार पढ़ चुके हैं अप्रैल में। आई होप आप सभी ने चैप्टर 1 को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, इसका मतलब है प्राणियों में पोषण। सेकेंड चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। यू हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। देखिए अब पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना जो भोजन है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, जैसे इसमें लिखा है सेकंड लाइन में, जो एनिमल्स रहते हैं वो किसे अपना फूड लेते हैं, प्लांट्स से, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ठीक है, जैसे इसमें हम समझ सकते हैं कि कुछ जो जंतु होते हैं वो डायरेक्टली पेड़ पौधों को खाते हैं और कुछ जंतु होते हैं जो उन जंतुओं को खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। Recall that an organism including human require food for growth, repair and functioning of the body. देखिए इसमें जो next line हमने पढ़ी है उसमें है कि जो human होते हैं उन्हें भी food की requirement होती है, किसके लिए, growth के लिए, जो क्या करती है, repair करती है और body को energy देती है। Animals nutrition includes nutrient requirement mode of intake of food and its utilization in the body. ठीक, इसका मतलब है प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्गत की विधि और शरीर में इनके उपयोग की विधि सम्मिलित है। अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। You have studied in class 6 that food consist of many components. देखिए आपने क्लास 6 में फूड के मैनी कंपोनेंट पढ़े होंगे जो आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जैसे हमने पढ़ा था क्या क्या होते हैं हमारे फूड के कंपोनेंट, विटामिन हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो वो जो हमने पढ़े थे वो आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, आगे करते हैं हम। आई होप आप सभी बच्चे यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं फूड के वो आप लिख सकते हैं। चलिए, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंस। देखिए कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ जो घटक होते हैं वो क्या करते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं, अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल रूप में बदलना आवश्यक है, जैसे निम्न आरेख द्वारा में समझाया गया है। देखिए जैसे ये है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, आपको दिख रहा होगा ये क्या होता है, छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो भोजन है हमारे मुंह में जाते ही वो जो मुंह में एंजाइम होता है उसको छोटे छोटे लिटिल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिससे वो हमारे फूड पाइप में अंदर जा पाता है। तो यही चीज इसमें लिखा है, फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, ये जो परिवर्तन या विखंडन या टूटने की प्रक्रिया है ये क्या कहलाता है, पाचन कहते हैं इसे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग फूड। चलिए इसे पढ़ते हैं हम। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बीज एंड हुमिंग बर्ड्स सक्स द नेक्टर्स ऑफ प्लांट्स, इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑफ मदर मिल्क,
स्नैक्स लाइक द फोटोन सोन द एनिमल्स दे प्रे अपॉन सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टैनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय द फीड अपॉन डैम। देखिए इसमें क्या लिखा है, जो भोजन के अंतरण की विधि होती है विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कुछ जो ह्यूमंस होते हैं वो भोजन को लेते हैं, जो बेबीज होते हैं छोटे बच्चे होते हैं वो मदर मिल्क लेते हैं, और जो स्नैक होते हैं वो अलग तरीके से अपना भोजन मतलब कि निगलते हैं। तो जो हर किसी के भोजन की जो तरीका है वो अलग होता है। जैसे कुछ लोग भोजन को चबाते हैं, कुछ निगलते हैं, कुछ चूसते हैं। तो यही चीज इसमें लिखा गया है, डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। जैसे एक्टिविटी सेकंड है हमारी, ये भी आपको अपने होमवर्क में ही करनी है, मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। यानी जो जंतु होते हैं भोजन को किस प्रकार से एवं पोषण प्राप्त करने की विधि उनकी कौन सी है, वो हमें नीचे लिखनी है। जैसे ये आपको टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें हमें लिखना है जो स्नेल है वो किस तरीके से अपना भोजन लेता है, एंट है यानी चींटियां किस तरीके से लेती हैं, ईगल किस तरीके से लेती हैं। तो ये आपको अपने आसपास की चीज़ों को देखना है और उनसे समझ के देख के ऑब्जर्व करके यहाँ लिखना है कि वो किस तरीके से अपने फूड को लेते हैं। जैसे वो च्यूइंग करते हैं या काटते हैं, पकड़ते हैं, निगलना, जो भी आपको दिखाई देता है वो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करके लिखना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए देखिए यहाँ पे हमें एक स्टारफिश दिखाई गई है, उसके बारे में कुछ लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टारफिश होती है वो क्या होती है, जो कठोर जिनके ऊपर एक कठोर कवर होता है जो कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उन एनिमल्स को खाती है। ठीक है, आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमस थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द सेल। इसमें लिखा है कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतुओं के कोमल भागों को खाती है। ये आपको देखिए स्टारफिश का डायग्राम भी दिखाया गया है। द स्टोमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट। यानी आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता रहता है। तो ये जो हमें डाइजेशन सिस्टम दिखाया गया है, ये किसका दिखाया गया है, स्टार फिश का। चलिए अब हम देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डाइजेशन इन ह्यूमन। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। इसका मतलब है हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड आर डिफेकेटेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। यानी आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निकाशित किया जाता है, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है। देखिए इसमें जो नेक्स्ट लिखा है, द फूड पास थ्रू अ कंटिन्यू कैनल विच बिंग्स एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनिमल्स। यानी भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदे तक जाता है। देखिए यहाँ पे इस जगह आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। हम सबसे पहले जो ये हमारा माउथ है यहाँ से भोजन लेते हैं, यहाँ से हमारा डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। फिर ये जो फूड पाइप है यहाँ से होता हुआ आमाशय में कुछ देर रहने के बाद ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर बिग में जाके ये हमारा नीचे वेस्टेज में निकल जाता है। जो ये पूरा प्रोसेसिंग हमें यहाँ दिखाई गई है, जैसे फर्स्ट हमारी क्या होती है, बकल कैविटी होती है, फिर फूड पाइप होता है,
मच स्मॉल इंस्टाइन और लार्ज इंस्टाइन एंडिंग इन रेक्टम एंड द एनस, यानी जो लास्ट में होता है वो क्या होता है, वेस्टेज होता है हमारा। इस चीज को यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब ये जो आपको यहाँ पे है ये सब यही चीज आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो काम करते हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंस ऑफ फूड इंटू सिमिलर ओम्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्स एंड द एसोसिएट ग्लैंड्स टूगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो भोजन होता है विभिन्न भागों से गुजरता हुआ विभिन्न घटकों या पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति शूद्रांश तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथि जैसे लाल ग्रंथि यकृत आमाशय पाचक रस ग्रंथि कहलाती है। और पाचक रस जटिल पदार्थों को अनेक सरल रूप में बदल देते हैं जिसे क्या होता है आहार नाल एक सरल ग्रंथि मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट है हमारा द माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द माउथ एंड बकल कैविटी। फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ, जो भोजन होता है वो किसके द्वारा हमारे बॉडी में जाता है, मुख के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इनगेशन। ठीक है, वी चो द फूड, हम क्या करते हैं भोजन को चबाते हैं विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इन टू स्मॉल पीसेस, यानी हम अपने ऊर्जा द्वारा इसे स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं। ईच टूथ इज रॉटेड इन अ सेपरेटेड सेट इन गम्स, यानी जो हमारे टीथ होते हैं उनका काम अलग अलग होता है और जो छोटे जो भोजन होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसे जो टीथ होते हैं वो पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग वृत्तिका में दशा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उसके कार्य भी भिन्न भिन्न है, इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे एक्टिविटी जो हमें दे रखी है 2.2 देख सकते हैं हम, वॉश योर हैंड्स लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। देखिए ये एक्टिविटी है जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, यानी हम अपने टीथ को देख सकते हैं कि कितने हैं, ये आप घर पे एक बार करके देखेंगे। टेक अ प्लेस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, विच टीथ डू यू यूज योर बेटिंग एंड कटिंग एंड Which one of the pairing then tearing? यानी हमें देखना है कि खाने को चबा के कि हम कौन से टीथ का कौन सा काम करते हैं। जैसे जो आगे के हमारे फ्रंट के फोर टीथ होते हैं वो हमारे किस काम आते हैं, और जो पीछे के होते हैं वो क्या काम करते हैं, कौन से टीथ हमारे काटने के काम आते हैं, कौन से चबाने के काम आते हैं, तो ये सब आज आपको मेजर करना है। कल इस बारे में हम डीपली पढ़ेंगे और मैं इन सभी टीथों का आपको, ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, इनका वर्क बताऊंगी। तो आज हम अपना चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। आपको इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, समझना है, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको पूछना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।